हाय साइंसोलियम, मैं हूँ राघवेंद्र। और जो चीज़ आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है काफ़ी क्यूट सी, वो है बलून कार। और कोई छोटा बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो आई गारंटी वो इस वीडियो को एंजॉय करने वाला है, ठीक है। सो काफ़ी क्यूट सी कार है और बहुत सस्ती सी कार है, ठीक है। और अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें इस वीडियो को। तो चलिए चलते हैं हम लोग कि ये बनी कैसे। इसको बनाने के लिए हमें एक पेन चाहिए और एक ख़राब सी बॉटल जो कि आप लोग फेंकने वाले हों, ठीक है, क्योंकि इस बॉटल से हम लोगों को बनानी पड़ेगी इस कार को। इस बॉटल के ऊपर, जैसे कि पेन आपको दिख रहा है, इस पेन को मैं इसमें लगाऊंगा। अब इस पेन के ऊपर आप लोगों को दिख रहा है ये बलून लगाया हुआ है मैंने। ओब्वियसली जैसे कि आपको पता है कि ये बलून कार है। इसमें ये काम कैसे करती है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें हमें क्या करना है, थोड़ी सी इसमें हवा भरनी है, ठीक है। और हवा भरेंगी तो ये क्या होगा आप लोग देखते जाइए। जैसे कि मैंने इसमें थोड़ी सी मैं हवा भरता हूँ और वाह, देखा आपने न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये मैंने इसमें हवा भरी और आप देख रहे हैं कैसे जा रही है। तो इसी एनर्जी का यूज़ मैं करने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले कलर। कलर बहुत ज़रूरी है। मैं इसमें करूँगा कलर जो कि मेरा फेवरेट कलर है, आर्मी ग्रीन, ठीक है। तो मैंने इस पर कलर करूँगा स्प्रे पेंट। और ध्यान दीजिए, थोड़ा खुले में ही आप इसको स्प्रे पेंट करिए, ठीक है, बिकॉज अपनी सांसों के लिए ये ज़्यादा अच्छा नहीं है। मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है, नीचे दिख रहा है आपको, @ScienceHolium। उसको भी आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, फालतू वीडियोज़ उस पर मैं डालता रहता हूँ। बॉटल कलर हो गई है, अब बारी है पेन की। उस पेन को मैं कलर करता हूँ। ये पेन को मैंने बड़ी ध्यान से मैं कलर कर रहा हूँ, ठीक है। और हवा काफ़ी तेज़ चल रही है तो जल्दी जल्दी चीज़ें सूख जाएंगी। अब देखते हैं कि ये दिख कैसा रहा है कलर होने के बाद। वाह, फाइनली ये चीज़ सूख चुकी है जो कि आप लोगों को दिख भी रहा है, ठीक है। इसमें मैं क्या लगाने वाला हूँ, जो कि ये पेन है, पेन भी सेम शेड के दोनों दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि एक दोनों के लिए ही बने हैं ये। इसको ऐसे मैं लगाऊंगा तो इसमें होल होना बहुत ज़रूरी है आगे पीछे। फाइनली होल हो चुका है, ठीक है, जो कि आप लोगों को दिख रहा है। और काफ़ी टाइटली ये पेन भी फिट हो चुका है। अब इसमें देखिए मैंने हवा भरी है और अभी नहीं चलेगी, टेंशन मत लीजिए, बिकॉज एक सर्कुलर व्हील्स होने बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन हमें कम करना है, ठीक है। उस व्हील्स को लगाने से पहले मैंने व्हील्स के लिए एक पाइप्स फिट कर दिए हैं जहाँ पे व्हील्स हमारे फिट होंगे। और ये जो बेसिक जो रिफ़िल आपको दिख रही हैं, इन रिफ़िल पे ही, रिफ़िल की मदद से ये व्हील्स फिट होने वाले हैं। तो शेप में मैं थोड़ा सा काट लेता हूँ जिस शेप में मुझे चाहिए, ज़्यादा बड़े भी नहीं होने चाहिए ये व्हील्स, ठीक है। तो इनको मैंने काट लिया है और दो सेट मैंने तैयार कर लिए हैं इनके। काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं और हर चीज़ यूज एंड थ्रो वाली है, आप लोग देख रहे हैं, एक भी चीज़ मैंने नई नहीं लगाई है इसमें। और फाइनली बन के ये चीज़ तैयार हो गई है। कैसी लग रही है यार, अगर अच्छी लग रही हो तो एटलीस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब तो करो यार इस वीडियो को। काफ़ी मेहनत लगी इसको बनाने में और काफ़ी क्यूट सी कार लग रही है मुझे। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी बन जाएगी एक्चुअली। इसके लिए एक लाइक तो बनता है। चलिए चलते हैं प्रैक्टिकल और एक्चुअली काम कैसे करती है।